अगर मैं आपसे कहूं कि 10 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे 10 बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर हमने 10 लड़कों की जगह सिर्फ हाउ मेनी बॉयज लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि कितने लड़के तो 10 लड़के, कितनी लड़कियां तो हाउ मेनी गर्ल्स, कितने स्टूडेंट्स तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। आज आपको ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूं मैं हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग डब्ल्यूएच वर्ड्स जिनका कि बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको बता दूं जीरो टू जेनी सीरीज में ये आपका 6th वीडियो है, इस पर बेस्ड ऑलरेडी 5 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन वीडियोस को जरूर देखना ताकि आप इस सीरीज का पूरा फायदा उठा सके। साथ ही इस सीरीज के लिए हमने एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बना ली है, अब हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें जीरो टू जेनिस की, उसमें भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स ये ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा अक्सर हाउ मेनी हाउ मच की यूजेस में कंफ्यूज होते हैं, हाउ फार में कंफ्यूज होते हैं, हाउ लॉन्ग में, हूज, एट व्हाट क्लॉक, एट व्हाट टाइम, हुम, हु, बाय हुम, विथ हुम। ये ऐसे सेलेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं जिनका करेक्ट यूज आपको आना चाहिए और आज मैं वही चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। पूरे सेशन को आपको अच्छे से देखना समझना। सबसे पहले हाउ मेनी की बात करें, आपको बता दूं स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कितना, कितनी और कितने, राइट ये जो है यही मीनिंग हाउ मच भी देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस हम लोग जानते हैं अच्छे से कि मेनी यूज्ड, मेनी का उपयोग जो होता है काउंटेबल नाउन के साथ होता है और मच का उपयोग जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सके। तो पहले तो नाउन समझो आप, नाउन की दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया काउंटेबल, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन में जो नाउन आते हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे आपने कहा बॉय तो बॉयज, गर्ल तो गर्ल्स, पैन तो पैंस, तो ये जो पैंस है, गर्ल्स है, बॉयज है, उन्हीं के साथ आपको हाउ मेनी लगाना है। तो जब आप कहेंगे कितनी लड़कियां तो हाउ मेनी गर्ल्स, कितने बॉयज तो आप कहेंगे हाउ मेनी बॉयज। तो मैं चाहता हूं आप इसका आंसर पहले समझे। जैसे मैंने कहा 10 बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि 10 लड़के जो है इंग्लिश सीख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बताओ भाई कितने लड़के इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अब यहां पर जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये जो 10 है ना इसकी जगह आपको सिर्फ लिखना है हाउ मेनी, ये आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इसकी जगह आपको सिर्फ लिखना है हाउ मेनी। अब यहां पर आप लिख देंगे सिंपली बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश, दैट इज वेरी इजी एवरीवन। तो यहां पर 10 बॉयज आपका किसमें था, सब्जेक्ट में था। अब अगर मान लो 10 बॉयज ऑब्जेक्ट में आए तो उसको कैसे बनाए, जैसे आपने एक कहा कि आई सॉ, आप आई हैव सीन ले लीजिए, आई हैव सीन 10 बॉयज देयर, मैंने वहां 10 लड़कों को देखा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने वहां कितने लड़कों को देखा, तो आपने वहां कितने लड़कों को देखा, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट में आया है तो अब ये आएगा हाउ मेनी बॉयज हैव यू सीन देयर, That will be the answer, everyone. How many boys have you? You का I हो जाएगा, answer करेंगे तब आप। तो ये रहा आपका प्रश्न question और ये रहा उसका answer। तो ये दोनों में अब अंतर देखो, ऊपर वाले में हमने subject में ये दिया था 10 boys are learning English, तो यहां पर हमने 10 boys की जगह direct how many लिखकर उसके answer को बना दिया। मैंने कहा 20 girls are absent today, अब मैंने कहा ध्यान से देखिएगा आपको लिखा हुआ यहां दिखेगा 20 girls are absent today, तो 20 लड़कियां क्या है, एब्सेंट है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कितनी लड़कियां एब्सेंट है तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना हाउ मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, 20 गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, राइट। तो इस तरीके से आप जब सब्जेक्ट को हटाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह तो हाउ मेनी आप डायरेक्ट लगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो आई हैव सीन 10 बॉयज देयर, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी बॉयज हैव यू सीन देयर, आपने वहां कितने लड़कों को देखा, तो मैंने वहां 10 लड़कों को देखा। इसी तरीके से आपने कहा आई बॉट 2 पैंस, मैंने 2 पैन खरीदे, अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने पैन खरीदे, तो आंसर बनेगा हाउ मेनी पैंस डिड यू, अब ये बॉट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाय, सिंपल पास्ट टेंस का है, तो हाउ मेनी पैंस डिड यू बाय, तो आपका आंसर आएगा आई बॉट 2 पैंस, v2 सब्जेक्ट v2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें और लर्न स्पेशली याद रखें आंसर करते हो सबको आना चाहिए। तो ये रहा भाई आपका हाउ मेनी। इसी तरीके से हाउ मच का उपयोग जो होता है अनकाउंटेबल चीजें, जैसे मैंने कहा मिल्क, वाटर, ऑयल, है ना, वुड,
आयरन, गोल्ड, जितने भी मेटल नॉन मेटल है सारी चीजें अनकाउंटेबल में आती है। तो मैं जब कहूंगा कितना दूध तो हाउ मच मिल्क, कितना पानी हाउ मच वाटर, कितना ऑयल हाउ मच ऑयल, कितनी लकड़ी हाउ मच वुड, कितना लोहा हाउ मच आयरन, तो इस तरीके से ये आपका हाउ मच यूज होता है। मैंने आपसे पूछा आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध लाओगे, हाउ मच मिल्क विल यू ब्रिंग, आप मार्केट से कितना ऑयल लाओगे, हाउ मच ऑयल विल यू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। तो आप कोई सा भी साइंटिस्ट बना सकते हो अगर आपको इसकी समझ डेवलप है तो। इसी तरीके से आप हाउ फार को यूज करते हैं जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कितनी दूर। अब ये देर नहीं है, दूर है, दूर मतलब समझ लो डिस्टेंस की बात हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपका घर कितनी दूर है तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बोलना हाउ फार इज योर हाउस, आपकी दुकान कितनी दूर है, हाउ फार इज योर शॉप, आपका घर आपकी दुकान से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम योर शॉप, राइट। आपकी स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो कुछ नहीं करना, हाउ फार को सिंपली आगे लगाना है। आप कितनी दूर स्कूल जाते हो, हाउ फार डू यू गो टू स्कूल, आप कितनी दूर रहते हो, हाउ फार डू यू लीव। जहां भी बनाना आपको, जैसे भी बनाना हो, इट्स अप टू यू कंप्लीटली, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी टू यूज। याद रखना स्टूडेंट्स, जैसे बता रहा हूं वैसे ही जब आप आंसर करेंगे तो आपने कहा मेरा घर मेरी स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, तो माई हाउस इज 2 किलोमीटर far from my school. I repeat the answer everyone. If I ask you how far is your house from your school, then you would say my house is 2 kilometers far from my school. Right? If I ask you how far is Indore from Khandwa? Khandwa se Indore kitni dur hai? Then you would say Indore is 120 kilometers far from Khandwa. Indore Khandwa se 120 kilometers dur hai. So this is the way to answer guys. Is way mein jab aap isko answer karenge, things will be easy to learn. Now, मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं फिर आपको बताता हूं हाउ लॉन्ग। जब बात हाउ लॉन्ग की आती है तो ये इसमें स्टूडेंट्स में देखा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाई। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, देखो ये देर होता है और ये दूर होता है। हाउ फार कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर। पहले तो एक चीज सीखे आप लोग कि हाउ के साथ में जब भी कोई एडजेक्टिव लग जाता है तो वो कितना का मतलब देता है। जिसे आपने कहा लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा भी होता है, तो जब आप कहो कितना लंबा तो हाउ लॉन्ग भी आप वहां यूज कर सकते हैं। मैंने कहा इसी तरीके से कितना अच्छा हाउ वेल हाउ गुड, कितना बुरा हाउ बैड, कितना महंगा हाउ कॉस्टली, कितना सुंदर हाउ ब्यूटीफुल। तो जहां भी आप कोई एडजेक्टिव को कितना के साथ में बोलते हो तो आगे हाउ लगा दे सबसे पहली चीज है ना। अब आप इधर देखिए, मैंने कहा कितनी देर तो हाउ लॉन्ग, मैंने कहा आप यहां कितनी देर से हो। जब आप ये सेंटेंस को कहेंगे तो कुछ लोग कहेंगे हाउ लॉन्ग आर यू हियर, ये गलत है स्टूडेंट्स, आपको बता दूं मैं, सही होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर फॉर, लास्ट में एफओआर फोर लगेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर फॉर। आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो, कितने देर से पढ़ रहे हो, कितने समय से पढ़ रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल फॉर, लास्ट में फोर लगाना है या फिर सेंस लगाना है। क्योंकि जब आप इसको आंसर करोगे तो आप कहोगे मैं इस स्कूल में 4 साल 5 साल से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल फॉर 5 years। तो ये जो फोर आपने लगाया इसका मतलब यहां पर निकल रहा है से, कितने समय से या कितनी देर से, कितनी देर से आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो, कितने समय से आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके सेंस में आप हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं, ये विशेष ध्यान देना है। आप किसी का इंतजार कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हो उसका, तो इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। तो आप कहेंगे मैं उसका 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 days। तो इसमें 4 2 बार से आया, फॉर हिम उसका इंतजार एंड फॉर 2 days 2 दिन से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आप लोग छोटे छोटे रूल्स है जो आपको माइंड करने हैं हाउ लॉन्ग को यूज करने में। हाउ लॉन्ग को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ ही यूज करना है। इसको आप सिंपल में और कहीं यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज गलती कर देंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है हूज, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स किसका, किसकी, किसके। अब ये क्या नई चीज है भाई, इसको थोड़ा समझे आप लोग, किसका, किसके, किसके, ये पजेसिव के लिए यूज होता है। पजेसिव आपको बता दूं, मैं यहां पर कुछ पजेसिव लिखता हूं, जैसे माय, माय से बनने वाला माइंड है ना, आर से बनने वाला आर्स, देयर, देयर से बनने वाला देयर्स, यूअर, यूअर से बनने वाला योर्स, ये सब आपके पजेसिव होते हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो आप जब हुज को यूज करते हैं तो हुज इसके साथ जब आप लगाओगे तो यहां पर नाउन भी आपको लगाना होगा, और अगर इनके साथ आप यूज कर रहे हो तो यहां पर हुज अकेला आएगा। देखिए कैसे, जैसे आपने कहा एग्जाम्पल के तौर पर कि दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है, तो जब प्रश्न बनेगा कि यह किसका पेन है तो क्वेश्चन बनेगा हुज पेन इज दिस, राइट,
Whose pen is this? मतलब ये वाला हो गया। अब अकेला अगर आया whose तो वो कैसे आता है? जब आप कहोगे यह मेरा है तो आप कहेंगे this is mine। आप कहेंगे स्टूडेंट्स ये मेरा है, this is mine। और इसका जब आप प्रश्न बनाएंगे तो आप बनाएंगे whose is this, राइट? कुछ इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, whose is this, whose is this, ये किसका है। यहां पर आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। तो भाई ये हुज जो इस तरीके से यूज होता है, आप किसका पैन यूज कर रहे हो, हुज पैन आर यू यूजिंग, आप किसका मोबाइल यूज कर रहे हो, हुज मोबाइल आर यू यूजिंग, आप किसका मोबाइल चला रहे हो, हुज मोबाइल आर यू ऑपरेटिंग, राइट? तो कितनी सारी चीजें हैं यार इसके साथ में, बहुत ईजी है। ऐसे नेक्स्ट है आपका एडवर्ड क्लॉक, इसको हम एडवर्ड टाइम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। जब मैं आपसे कहूंगा कितने बजे, एट व्हाट क्लॉक, आप कितने बजे उठते हो, एट व्हाट क्लॉक डू यू वेक अप, आप कितने बजे सोते हो, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आप कितने बजे यहां आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर, एट व्हाट क्लॉक डू यू कम हियर, तो बड़ा इजी है भाई, ये तो हर कोई कर सकता है। होम और हुज की बात करते हैं तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में होम की जगह हु का यूज किया जाने लगा है। ये तो हम सबको पता है कि होम का उपयोग हम कहां करते हैं, जहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव केस को हटाते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने उसे देखा, यहां देखेंगे आप आई सॉ हिम, ठीक है, या फिर रोहन लिख लीजिए आप, आई में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है, रोहन ने उसे देखा। अब मैंने पूछा रोहन ने किसे देखा, तो यहां पर रोहन तो सब्जेक्ट है लेकिन रोहन ने किसको देखा, एक लड़के को देखा, हिम को, तो क्वेश्चन बनेगा होम डिड रोहन सी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, होम डिड रोहन सी। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में इस होम की जगह हु का यूज भी होने लग गया है, हु डिड रोहन सी, हु डिड रोहन सी, रोहन ने किसको देखा, तो आंसर आता है रोहन सा हिम। ये होम की जगह हु का यूज किया जाने लगा आज मॉडर्न इंग्लिश में, बट आपको बता दूं होम ज्यादा सही है, होम का यूज किया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका बाय होम, जिसको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स किसके द्वारा, राइट? और लास्ट में विथ होम, जिसका मतलब होता है किसके साथ। जब आप कहोगे बाय होम, जैसे आपने कहा दिस वर्क विल बी डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, तो बाय होम में बनेगा बाय होम विल दिस वर्क बी डन, By whom will this work be done? मतलब ये काम किसके द्वारा किया जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में with whom, जिसका मतलब होता है किसके साथ। आप यहाँ किसके साथ आते हो, with whom do you come here? आप वहाँ किसके साथ जाते हो, with whom do you go there? आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, with whom do you study? आप किसके साथ रहते हो, with whom do you live? आप किसके साथ इंग्लिश सीखते हो, with whom do you learn English? तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे WH words को एक बार प्रैक्टिस करना है। और आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने स्पेशली एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें करीब 23 से 24 हजार स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग नोट्स और डेली वोकैबुलरी के अपडेट्स देते हैं। और आपको और भी वोकैबुलरी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है, इंस्टाग्राम पर हमने इसके लिए स्पेशली एक ग्रुप बनाया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए और भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में स्टूडेंट्स। तब तक लेटा डब, जय हिंद।